टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे किसी एंगल को चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से लेके कहां तक है, 0 से लेके 90 तक, और सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 90 से लेके 180 तक। मतलब क्या मीनिंग है इसका, 0 वाली लाइन ये है, 90 वाली लाइन ये है, 0 और 90 के बीच में सारे नंबर यहां पे, 90 वाली लाइन ये है, 180 वाली लाइन ये है, 90 और 180 के बीच में सारे नंबर्स यहां पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 180 से लेके 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 270 से लेके 360 तक। और मतलब मैं इसको जो कोई पाई की फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, 0 टू पाई बाय 2, और इसको क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 टू पाई, और नेक्स्ट टू क्या लिख सकता हूं, पाई टू 3 पाई बाय 2, और नेक्स्ट टू क्या लिख सकता हूं, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। क्योंकि आपको बताया था कि रेडियन और डिग्री में क्या फर्क होता है, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको कैसे याद करना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एक का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब कि सारे के सारे टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्री टर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब साइन कोस टैन कोस कोसेकेंट सेकेंट, ये सारे टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि कैसे कोई एंगल दूसरे एंगल में चेंज होते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बट वो आया कैसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे वो आया। इसके लिए हमें 3 स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, हमें सबसे पहले क्या चेक करनी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके बाद साइन ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन देयर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट, कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का हमने साइन देखना है उसी क्वाड्रेंट के अंदर जहां की वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। और थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कैसे एंगल चेंज होगा, जो अगर वो एंगल 90 और 270 का मल्टीपल होगा, जो अगर वो एंगल 90 और 270 का मल्टीपल होगा तो उस केस में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होने के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो अगर इसके अलावा कोई दूसरा एंगल होगा, मान लो 180 है या 360 है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या इसका, कि जो अगर 90 होगा या फिर 270 होगा तो उस केस में चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या है, कि साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा, सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेकेंड थीटा सेकेंड थीटा में चेंज हो जाएगा, और 180 और 360 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो कैसे करना है इसको, साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, कि 90 से छोटी वैल्यू। अब 90 से छोटी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से क्या पता चलेगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट जब हमारा कंप्लीट हो गया कि वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, साइन थीटा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इसका क्या आएगा, प्लस आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड में मुझे क्या चेक करना है कि कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 है, जो अगर यहाँ पे 90 होगा तो एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट देखना है कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो एक एंगल कोट लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा। अब इसमें देखिए कैसे करना है, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 से कुछ वैल्यू ज्यादा हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या आएगा, माइनस। और 180 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा। जैसे एक एंगल हम डिस्कस करते हैं, साइन 210, साइन 210 को मैं लिख सकता हूं साइन 270 माइनस 60,
या फिर ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 30, दोनों से ऐसे सेम आएगा, चाहे अभी से करो चाहे अभी से करो। अब ये देखो टू टेन को से क्वाड्रेंट में, टू टेन को से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? सबसे पहले क्या क्वाड्रेंट को देख लें, टू टेन को से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, किसी मर्जी मेथड से करो उससे सेम आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। अभी यहाँ पर 270 है, 270 पे मुझे पता है कि क्या होगा, चेंज होएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। तो क्या आएगा? कोस 60। और 180 पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? साइन 30। तो साइन 30 वैल्यू 1/2 और कोस 60 वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका साइन देखने की क्वाड्रेंट उसका साइन क्या होगा। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, मुझे देखने की 90 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। जो अगर 90 का मल्टीपल होगा तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एक टाइम और देखते हैं, मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है 10 300 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ 10 270 प्लस 30, या फिर ये लिख सकता हूँ 10 360 माइनस 60। अब ये देखते हैं पहले 300 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा? नेगेटिव होगा। और 10 टू 70 पे वैल्यू चेंज होती है, हमें पता है कि 10 टू 70 पे किस में चेंज होगा? कोट में। तो क्या आएगा? कोट 30। ऐसे यहां पे 360 पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 10 60। अब चेक कर सकते हैं कि दोनों सेंस से सेम आएगा, कोट 30 की वैल्यू रूट 3 होती है और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3। यहाँ पे कुछ corrections कर लेना, यहाँ पे cosecant theta के base पे cosec आएगा, मतलब यहाँ पे sin और cosecant का pair एक साथ बनेगा और secant और cosecant का pair एक साथ बनेगा, cosecant नहीं आएगा यहाँ पे, cosec आएगा।